आप सभी का एक बार फिर से स्वागत चैनल पर। आज का मेरा वीडियो है सीएससी से रिलेटेड है। अगर आपको कोई काम करवाना है सीएससी से और आपके सीएससी सेंटर कहाँ पर हैं, सीएससी का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ऑनलाइन सुविधाएं मिलती हैं, जैसे ई मित्र पे होती है वैसे सीएससी सेंटर पे भी होती हैं। तो अपने एरिया के सीएससी सेंटर का पता कैसे लगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और गूगल में हम सर्च करेंगे सीएससी सेंटर के बारे में, आपके नज़दीकी एरिया में कौन सा सीएससी सेंटर चल रहा है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले गूगल में हम टाइप करते हैं सीएससी, उसके बाद लोकेटर, सीएससी लोकेटर, ये हमें गूगल में टाइप करना है। तो नीचे देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक वेबसाइट आएगी सीएससी लोकेटर, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टेट सुन दें, आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप अपने एरिया का जो ब्लॉक होता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ 56996 ये डाल दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो सर्च बटन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेते हैं। एक बार हमें कैप्चा दोबारा डालना होगा 54541303। अब यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो मैंने सुना है राजस्थान के जोधपुर ज़िले के बालेश्वर ब्लॉक के जो सीएससी हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएससी जो सेंटर है उनका नाम आ रहा है, कौन है सीएससी का ओनर और उनका एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो भी आज सेंटर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे बालेश्वर ब्लॉक में 38 सीएससी सेंटर अभी चल रहे हैं। उनकी ये जानकारी आ गई और यहाँ पर आप उनका एड्रेस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नज़दीकी एरिए का सीएससी सेंटर का पता लगा सकते हैं। और आपका जो भी ऑनलाइन कार्य हो, पासपोर्ट, वोटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आपको सीएससी सेंटर पर मिल जाते हैं, उन पर जाकर आप अपना काम करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।